आज मैं नायका से कुछ मंगाई हूँ और वो क्या है आगे देखते हैं। और मैं जो भी प्रोडक्ट मंगाई हूँ ये इसका रिव्यू मैं 2 दिन यूज़ करने के बाद दे रही हूँ। बात कर लेते हैं पैकेजिंग का, तो मुझे ये सही ही लगा क्योंकि इसके अंदर जो था, जो मेरा प्रोडक्ट था वो सेफली था, मतलब उसको अच्छे से पैक किया गया था ताकि वो टूटे ना, और मुझे अच्छा लगा। मैं इस कार्डबोर्ड को बीच से ही कट करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं इसको इसका जो टेप है इसको मैं निकाले जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको ओपन कहाँ से करूँ। लेकिन फाइनली वो टाइम आ गया जब मुझे समझ में आया कि चलो यहाँ से ये निकल सकता है और आप देख ही सकते हो। मैं यहाँ 3 प्रोडक्ट मंगाई थी लेकिन मुझे तो ये देखकर ही इसके बाद मेरा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं 3 प्रोडक्ट मंगाई और यहाँ पे 2 ही, तो मैं सोचने लगी कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो जो एक और प्रोडक्ट था वो एक ही में 2 प्रोडक्ट था। तो देखते हैं, और ये रहा मेरा मंगाया हुआ प्रोडक्ट जो कि अपने प्राइस से काफ़ी कम में मेरे को मिला है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करते चलूँगी कि मुझे क्या है और कितने का मिला हुआ है। तो ये सबसे पहले है फिटमी का कॉम्पैक्ट है जो कि मेरा शेड है 1 to 8, लेकिन मैं 115 ऐसे मंगाई थी। मुझे लगा कि चलो फेयर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन वो मेरे स्किन से डल होगा तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और इसका शेड जो था ना वो पिंकिश पिंकिश टाइप का था। मैं यहाँ पर बबल फोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये बबल वाला नहीं था पैकेजिंग। तो हाँ, एक और बात कि मुझे ये प्रोडक्ट जो था वो डैमेज नहीं आया था, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया था, मतलब देख के तो मन खुश हो गया, लेकिन मेरा शेड ये नहीं निकला। ऑनलाइन कुछ बाय करने में यही तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको आपका शेड नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्ट आपका शेड है क्या। लेकिन जैसे कि ये है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कैमरा में इसका शेड जो है मेरे फेस से काफ़ी मैच कर रहा है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियल में ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप में था, थोड़ा सा डल था मेरे शेड से। मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि ये फेयर लोगों के लिए है, तो फेयर लोग ऐसे पिंक पिंक दिखना चाहते हैं क्या, मतलब उनके लिए ये पिंक शेड रहेगा। मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगी। लेकिन इससे पहले मैं जो अपना कॉम्पैक्ट ली थी वो मेरे शेड का ही था और वो मैं ऑफलाइन ली थी। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था, मुझे इसका स्मेल तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको बार बार मैं स्मेल करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका स्मेल आ रहा था। मैं लगा के भी देखी तो मुझे सही लगा, लेकिन यही था बाद में मेरा फेस जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डल दिख रहा है। लेकिन गलती तो मेरा ही है क्योंकि आप जो मंगाओगे आपको वही मिलेगा और उन्होंने बहुत ही अच्छा दिया। अब बात करते दूसरे प्रोडक्ट का, तो मैं जो चीज़ से डर गई थी कि मुझे 2 ही प्रोडक्ट आया, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे मेरा 3 प्रोडक्ट मिल चुका था लेकिन एक ही में 2 प्रोडक्ट था। तो ये है काजल और ये सनस्क्रीन। तो बात कर लेते हैं काजल का, तो ये है फेसेस कैनेडा का जिसका प्राइस है 225, लेकिन मुझे ये 151 में मिला था। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और लगाने के बाद का मेरा खुशी आप देख रहे हो, मतलब मुझे ये काजल बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। इसमें जो बताया गया था वो सच में वैसा है, वाटरप्रूफ में है, लॉन्ग स्टे भी कर रहा था और स्मज प्रूफ भी है। तो मैं इसको 2 दिन यूज़ की और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, मतलब कि ये फैल नहीं रहा था। और एक इसका अच्छा बात और लगा मुझे, वाटर लाइन पर लगाने के बाद अपर साइड में अपने आप ही लग जाता है, मतलब आपको वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा था। अब बात कर लेते हैं मेरा तीसरा प्रोडक्ट जो कि सनस्क्रीन है एक्वालेजिका का, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ और वाटर बेस्ड था। इसको लगाने के बाद फेस एकदम नॉर्मल जैसा आपका फेस है रियल में वैसा ही लग रहा था, वाइट वाइट अलग से नहीं लग रहा था। मैं इसको यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रही थी, मेरे मन में ऐसा बात आ रहा था कि यार मुझे खाली तो नहीं मिल गया ये, मतलब पूरा पैसा वेस्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा निकालने पर हर जो ऐसा पैकेजिंग होता है ऐसा ही होता है। तो बाद में निकला, फिर मैं सोची कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि निकल रहा है कि नहीं, तो निकल रहा था तो मुझे लगा कि सही है। बात करें स्मेल का, तो स्मेल इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा था, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था इसका स्मेल की है क्या ये। लेकिन ये थोड़ा सा लगाने के बाद मुझे जेली फॉर्म में लगा, जैसे वाटर बेस्ड होता है उस टाइप का, क्रीम जैसा कुछ टेक्सचर नहीं लग रहा था।
और बात करें इसका जो ये चिपचिप करने का, तो हाँ थोड़ा बहुत चिपचिप कर रहा था, मतलब इसको लगाने के बाद आपको अलग से पाउडर या कॉम्पैक्ट ऐसे लगाना पड़ेगा, नहीं तो गर्मियों के मौसम में तो और भी बुरा हाल हो जाना है गर्मी की वजह से, लेकिन विंटर के लिए ये सही पड़ेगा। तो ये है इसका प्लस पॉइंट। और बात कर ले प्राइस का, तो इसका प्राइस है 399, लेकिन मुझे ये 339 में ऐसे पड़ा। तो ओवरऑल मेरा तीनों प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।